बैक माय चैनल जिसका नाम है रिएक्शन रिप्ले। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक के मज़े में हैं, उम्मीद है कि ठीक ठाक ही होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोग सब सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल करते हैं। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक के मज़े में है ना। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मीट भदम 12 ईयर्स ओल्ड बॉय हु एवरेज मंझोर ट्रेन एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे इसको, तो बाहर जैसे कि जो है 12 साल का लड़का, एक मध्यम भारत के नाम का 12 साल का लड़का पाकिस्तान आ गया था, तो उसके बारे में है ये वीडियो। देखते हैं क्या उसके साथ रवैया हुआ और क्या इंडिया की न्यूज़ है। हम थोड़ा सा न्यूज़ वाले ना कुछ सही नहीं बताते, लेकिन मेरे देखा जानकारी में, लेकिन कुछ देखते हैं क्या है इनकी वीडियो और फिर उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो लुक द वीडियो। और हाँ, सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो लाल कलर के बटन को जो है वो नीचे जो लगा हुआ वीडियो के उसको प्लीज दबा दीजिएगा उसको, और उसके साथ ही बेल आइकन का बटन होगा वो भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लुक द वीडियो। जी न्यूज की न्यूज है ट्रेन। क्या लिखा है समझ में? 2017 का वाक्य है ये। बिहार का बघा रेलवे स्टेशन। बघा रेलवे स्टेशन। मौत की तरफ क्यों? बघा स्टेशन के आगे अफसानी हॉल्ट के पास रेल की पटरी टूट गई। टूट गई। अच्छा, रेल की पटरी टूट गई। मौत की तरफ बढ़ रही। रेलवे ट्रैक के रास्ते 12 साल का भी रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। तभी भीम नाम था बहादुर बच्चा, हजारों लोगों की जान बचा पाया या फिर सैकड़ों की जान बचाने की कोशिश में बहादुर भीम को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। छोटे भीम का बड़ा कारनामा जानने के लिए देखते रहे आपकी न्यूज। हाल फिलहाल में रेल की टूटी पटरी की वजह से कई हादसे सामने आए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। बिहार के बघा में एक और ऐसा हादसा हो जाता अगर 12 साल का भीम ना होता। जी हाँ, 12 साल के इस बच्चे ने हजारों यात्रियों की जान। अच्छी दूसरी नरकटियागंज गोरखपुर रेल ट्रैक की टूटी पटरी देख सामने से आ रही ट्रेन के आगे भीम खड़ा हो गया और कई रेल यात्रियों की जान बचाई। बिहार के चलकर बघा के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। ट्रेन आने से पहले रेलवे ट्रैक के रास्ते 12 साल का छात्र भीम यादव स्कूल जा रहा था, तभी उसने देखा कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है और सामने से ट्रेन आ रही है। भीम यादव
परेशान हो गया। उसने कड़ाके की ठंड के बावजूद अपना लाल रंग का स्वेटर उतारा और रेल ट्रैक पर खड़ा हो गया। रेल लाइन पर खड़ा होकर भीम अपने हाथ में लाल स्वेटर हिलाने लगा। ट्रेन नजदीक आ रही थी और भीम ड्राइवर को रुकने का इशारा दे रहा था। रेल लाइन ट्रैक था तो उसको बच्चे द्वारा गेटमैन को बताया गया, गेटमैन द्वारा आगे लाल झंडी दिखाया गया, गाड़ी रुकी गई। बच्चे को ट्रेन के आगे खड़ा देखकर ड्राइवर हैरान हो गया। उसकी नजर लाल कपड़े पर पड़ी तो उसने रुकने के इशारे को समझ लिया और वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और फौरन ट्रेन को रोक दिया। अचानक ट्रेन झटके के साथ रुकी तो ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई और 12 साल के बच्चे की बहादुरी से हजारों लोगों की जान बच गई। भीम के मुताबिक जैसे ही उसने गाड़ी आने की आवाज सुनी तो उसने अपने दो दोस्तों नीतीश और कृष्णा के साथ पैटमैन को सूचना दी, लेकिन आवासीय हॉल्ट पर अपनी ड्यूटी में तैनात पैटमैन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तब जाकर खुद भीम ने अपनी जान पर खेल कर ट्रेन को हादसे का शिकार होने से बचाया। छोटे भीम की बड़ी बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। ट्रेन में सवार यात्रियों और बगहा के लोगों ने जाबाज भीम यादव के जज्बे को सराहा और आज उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। माँ सीमा देवी और पिता जनार्दन यादव को भी अपने छोटे भीम पर गर्व है। मेरा लड़का तो उद्धार किया है, भीम तो हर बच्चों को होना चाहिए उसका कार्य करें। रेलवे टूटा हुआ देखा था, अपन जो सी निकाल कर हिलाने लगा था ट्रेन रुक गई। भीम हमारे बहुत बहुतरी काम कर लगा मोदी से मदद मांग रहा था कि हमारे भीम के कोनो काम दे दे। बड़ा खुशी बा और महातारी के भीम ऐसा बेटा बोल रहे हैं। भीम यादव की बहादुरी को देखते हुए सरकार ने उसे सम्मानित करने का फैसला किया है। हकीकत में भीम एक बहादुर लड़का है और हम भी उसकी हिम्मत को सलाम करते हैं। इमरान अजीज, सी मीडिया, बगहा, बिहार। तो छोटे भीम का ये बड़ा कारनामा। अच्छा तो ये वीडियो थी, बहुत जबरदस्त वीडियो, बहुत ये भी एक हीरो था यार, ये भी एक हीरो था, ये भी बहुत जबरदस्त इन्होंने भी काम किया। इतने लाखों लोगों की जान है, जो लाख मैं कुछ और समझा था वीडियो का टाइटल देख के, लेकिन जो ये कुछ और वीडियो निकली तो इस पर भी हमने रिएक्शन दे दिया। लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, वे भी अच्छी वीडियो थी और बहुत जबरदस्ती वीडियो थी। और जो है वो ट्रेन जो आ रही थी और पैसेंजरों से भरी भरी थी, और एक बच्चा जो है वो आया और उसने बच्चे ने जो है देखा कि ट्रैक जो है वो क्रैक हो चुका है, टूट गया है ट्रैक। और जो है वो फिर उसने अपनी क्या करा, उसने अपनी बहादुरी, कुछ बच्चे होते हैं ना खेल कूद में लगे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भर दे बुजदिल होते हैं लोग, और कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं कि डरपोक होते हैं, वो नहीं कर सकते। बट ट्रेन आ रही है, हमें कुछ हो जाएगा तो। लेकिन भीम ने ऐसी ताकत निभाई और ऐसी बहादुरी निभाई कि अगर वो ये काम ना ही करता तो लाखों लोगों की तो जान जाती थी। जितने उस पैसेंजर थे उस ट्रेन में, ट्रेन बहुत लंबी होती है, छोटी मोटी बस तो होती नहीं है, तो उसमें तो बहुत सारे पैसेंजर होते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है भाई, तो चलते हैं अपने काम। उसने लाल स्वेटर उतारा, सर्दी का मौसम था, लाल स्वेटर उतारा, उसने इशारा दिया कंडक्टर की तरफ जो चला रहा ट्रेन, तो उसने देखा कि लाल कलर की जर्सी कोई हिला रहा है, तो ये तो खतरे का निशान है लाल, तो देखते हैं। लेकिन भीम ने पहले उनको रेलवे ट्रैक वाले ऑफिसर को भी बताया था कि जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बच्चे की बात अनसुनी कर दी। लेकिन जो है फिर जब वो रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा होकर एजेंसी हिलाने लगा तो हिलाने लगा, तो उसने सोचा भाई ये तो खतरा है, तो उसने ब्रेक मारी एमरजेंसी। और तो फिर क्या करना था,
उसको ब्रेक मारनी पड़ी और इस वजह से भीम की वजह से लाखों इंसानों की जान बची और इनको संभावना दिया गया मोदी की तरफ से, इनको कुछ दिया गया होगा, हमें कुछ नहीं इस वीडियो में नहीं बताया गया। लेकिन अगर कुछ कमेंट्स आएंगे हमें इनकी आगे वाली वीडियो पे करने के, तो हम ज़रूर ढूंढेंगे इसके बारे में कि इन्होंने करा। अगर आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी स्टोरी बहादुरी वाले हीरो, असली हीरो तो ये है, फिल्मों में तो कम आते हैं हीरो, लेकिन असली तो हीरो ये है यार, जो अपनी बहादुरी पे अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई। ऐसे हीरो की कदर होनी चाहिए इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो हीरो तो ये होते हैं, मेरी नज़र में हीरो ये बहुत ज़बरदस्त, सल्यूट करते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, फिर देर किस बात की, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें हमारे चैनल पे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर लिया उनका बेहद शुक्रिया। वो कमेंट्स करा करें हमें और हमारी वीडियो को शेयर करा करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेशन और बहादुरी वाली वीडियो बोल रहा वीडियो में। तो ओके बाय बाय।